नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे एचडीएफसी बैंक की जो आरडी होती है उसको हम बंद कैसे कर सकते हैं। और आरडी का मतलब है यहाँ पे रिक्योरिंग डिपॉजिट, जो आपकी रिक्योरिंग डिपॉजिट ऑटोमेटिकली चालू हो चुकी है या फिर आपने चालू करवाई थी उसको बंद कैसे करेंगे, और उसका जितना भी पैसा बनता है आपका वो पैसा आपके अकाउंट में भी कैसे ट्रांसफर करना है, और इसके ऊपर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। सिर्फ अगर आपका काफी टाइम हो गया है तो आपको 1 या 2% इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, बट उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा वीडियो के साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, जब भी आप अपनी एफडी या आरडी बंद कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। सिर्फ चार्जेस आपको तब जाके देने होते हैं जब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो जो भी आपका मिनिमम है वो अगर 1% से ऊपर चला जाता है जो आपने अर्न किया है। अगर वो अर्निंग आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की 1 से 2% से ऊपर है, यहाँ पे 2-2.5% से, तब जाके आपको चार्जेस देने हैं। उससे पहले आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। और आपने जब भी आरडी ओपन की है तो उसके आप 2 दिनों के अंदर अंदर आरडी बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आपने आरडी आज ओपन की है तो आप 2 या 3-4 दिनों के बाद में ही बंद कर सकते हैं। 2 दिनों के अंदर अंदर आरडी बंद नहीं होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, HDFC बैंक का एप्लीकेशन इसको ओपन कर लेना है। बैंक का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है। चलिए मैं अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद में यहाँ पे आपका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे आएगा, ये आपका टोटल बैलेंस है। और ये आपका जो रिक्योरिंग डिपॉजिट, मतलब जो आपने आरडी ओपन किए या फिर बैंक की तरफ से पहले से ओपन आई है, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का, इसको हमें ओपन करके सिलेक्ट कर लेना है। आरडी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्रीन को थोड़ा नीचे की तरफ खिसकाना है तो यहाँ पे एक्शन आपको दिखाई जाएगा। तो ये जो एक्शन दिख रहा है इसी में आपको थोड़ा नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन मिलेगा ब्रेक दिस डिपॉजिट, मतलब आपको अपनी आरडी है उसको बंद करना है, आपको ब्रेक करना है, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों आप कौन से राज्य से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपको वहाँ पे HDFC बैंक की सर्विसेज कैसी लगती है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके एक हमारे व्यूवर्स कहां से भी बिलोंग करते हैं। और वीडियो को दबा के लाइक जरूर कीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं आपकी आरडी आ चुकी है, आपकी आरडी का टोटल अमाउंट आ चुका है, आपने इतना अमाउंट पे किया है और आपका अकाउंट नंबर आ चुका है, और इसके बाद में यहां पे आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आ चुका है और आपने कितना इंटरेस्ट है वो अर्न किया है, मतलब कितना ब्याज आपको मिला है, और आपको विड्रॉल चार्जेस क्या लगेगा। अब आपको जो भी चार्जेस यहां पे देना है, जितना भी आपको चार्जेस फीस वगैरह पे करनी है वो यहां पे आ जाएगा, बट अभी के लिए मेरे को 0-0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अर्न किया है वो इंटरेस्ट रेट वो अभी 1% से तो कम ही है, मतलब 1% मैंने इंटरेस्ट ही अर्न नहीं किया तो मैं उनको चार्जेस क्या पे करूँगा। उसी बात पे इन्होंने मेरे को विड्रॉल पे 0 चार्जेस लगाए हैं। हम आई एक्सेप्ट के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देना है और हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको टिक मार्क लगा देना है, टर्म एंड कंडीशंस रीड करनी है और अब हमें कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक रिक्योरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन मिला है और यहाँ पे लिखा है यू हैव सक्सेसफुली ब्रोकन योर रिक्योरिंग डिपॉजिट, मतलब आपकी जो रिक्योरिंग डिपॉजिट है, आपकी जो आरडी है वो ब्रेक हो चुकी है। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट हैज बीन पेड टू योर अकाउंट, मतलब आपका जो पैसा है वो आरडी का आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आपका जो यहाँ पे जितना भी बैलेंस आपका अकाउंट में था उसमें ये आपका बैलेंस जुड़ जाएगा, और आपका आरडी का जो अकाउंट में जो बैलेंस मैं आपको बता रहा हूँ, काफी बार क्या होता है 90% पूरा चांस है आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं आता है तो ये मैक्सिमम 10 मिनट लेगा, 10 मिनट से ये ज्यादा कभी टाइम नहीं लेता आपका पैसा वापस आने में। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पैसा आपको खाते में आ जाता है, पर अगर 10 मिनट में भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप कस्टमर केयर से जरूर बात कर लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे सभी का मैंने जहां तक देखा सभी लोगों के सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर पैसे वापस जमा हो जाते हैं, और मेरा तो पैसा सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ही वापस आ गया था। आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आज आप तक पहुंचाई आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।